gossip. दो किताबें हमारे पास हैं फहमीदा रियाज की आवर शेख सादी और द सेकंड बुक जो कि अभी अभी आई है बिल्कुल फ्रेश फ्रॉम द अवन ये लेटेस्ट अभी ये दो किताबें आई हैं फहमीदा रियाज की जो कि बच्चों के लिए है और ये सेकंड किताब जो है द सीमुर्ख एंड द बर्ड्स ये हमारे बच्चे जो ज़रा से मैच्योर बच्चे हैं यानी फहमीदा क्या उम्र होना चाहिए बच्चों की इसके लिए किसी भी उम्र के बच्चे ठीक रहेंगे अच्छा ओके 60 बरस के बच्चे सबसे अच्छे नहीं मिनिमम बताइए जी बिल्कुल सही है अच्छा मैं सबसे पहले आपको जरा फहमीदा आपा के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं थोड़ा सा नहीं मैं इसलिए बताऊँगी कि ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हमारे मुल्क में बहुत बड़े बड़े अदीब और शायर आए और गए और मौजूद भी हैं लेकिन बच्चों के लिए काम बहुत कम लोगों ने किया अब मैं इस बात पे बहुत अक्सर अफसरदा हो जाती हूँ कि बड़े लोगों ने बच्चों के लिए काम नहीं किया तो बच्चे महरूम रह गए उनके काम से लेकिन हेड्स ऑफ टू फहमीदा रियाज जिन्होंने बच्चों के लिए सोचा और बच्चों के लिए काम किया क्योंकि बच्चों के लिए काम करना बहुत मुश्किल काम है आसान ज़ुबान में लिखना मैं कहती हूँ कि मुश्किल तरीन काम है बच्चों के हाई लेवल तक पहुँचना मुश्किल तरीन काम है लेकिन फहमीदा रियाज ने इस काम को बखैर खूबी अंजाम दिया और ये किताबों की सूरत में हमारे बुक स्टॉल्स पे मौजूद हैं तो ये किताबें आज जिनकी हम दो की लॉन्च कर रहे हैं एक तो है आवर शेख सादी और दूसरी है द सीमुर्ख एंड द बर्ड्स दोनों किताबें बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं थोड़ा सा मैं फहमीदा रियाज के बारे में आपको ये बताऊँगी इनकी बहुत सी किताबें आ चुकी हैं मंजर आम पे जो कि बड़ों के लिए हैं एक रात की कहानी अब पछतावा ये पैरहन मेरी रूह का उतर न सका इश्क तुम जिसकी तमन्नाई थी पत्थर की ज़ुबान वो चंद किताबें हैं जो कि ये लिख चुकी हैं लेकिन अब बच्चों के लिए काम किया है वो लाजवाब है किताबें इनकी पहली भी लाजवाब हैं आप लोग ज़रूर पढ़िएगा मेरा अम्मा अब्बा से ये रिक्वेस्ट है इनकी किताबें ज़रूर पढ़ें साथ साथ बच्चों को ये किताबें पढ़ाइए जो फहमीदा बच्चों के लिए लिख रही हैं तो फहमीदा आप सबसे पहले ये बताइए इतना मुश्किल काम करने का आपने सोचा कैसे देखो ये इस तरह से मैंने सोचा सच्ची बात ये है कि मेरा अपना एक छोटा सा नवासा है और मेरी बेटी का जो बेटा है उसका नाम है सुलेमान तो अब ये है कि वो मेरे पास ही मेरी बेटी रहती थी तो वो बड़ा हो रहा था तो उसको देख देख कर उसे बातें कर कर के मुझे कोई ख्याल आता था कि मैं इसके लिए कुछ लिखूँ तो ये वजह थी कि मैंने सोचा कि जो कुछ भी मैंने पढ़ा है उनको बच्चों के लिए भी बनाया जाए ये सबसे पहले मुझे उसकी वजह से ये ख्याल आया और मैंने उसके लिए भी नज़में लिखी काफ़ी बच्चों के लिए लिखी ना देखो मेरे अपने जब छोटे बच्चे थे तो उनके लिए तो बच्चों की नज़में नहीं लेकिन बड़ों के लिखते थे बस अब ये अब मैं तुमको इन किताबों के बारे में बताऊं। शेख सादी का नाम तुम में से किसी ने सुना है पहले शेख सादी का नाम हाथ उठाओ अगर किसी ने सुना है तो किसी ने नहीं एक सुना? बच्चे ने सुना है किसी ने नहीं सुना है शेख सादी का नाम यही तो अफसोस है देखो शेख सादी बहुत ही अच्छे शायर थे और इन्होंने जो गुलिस्तान बोस्तान दो किताबें तो हमारे यहाँ जो कोर्स में हुआ करती थीं मस्जिदों में भी पढ़ाई जाती थीं पहले मस्जिद के साथ मदरसे जुड़े हुए हुआ करते थे ना
तो वहाँ पर और चीज़ें पढ़ाते थे। पहले ज़माने में मस्जिदों में जो है वो कत्ल करना नहीं पढ़ाते थे, और बल्कि वो तो उनको मैथमेटिक्स पढ़ाते थे और हिस्ट्री, लैंग्वेज, ये सब चीज़ें पढ़ाया जाए। हम लोग आश्ती का सबक देते हैं वहाँ पे मस्जिद में। हाँ, तो मदरसा मस्जिद जब मिली हुई होती थी तो आप ये समझे कि वहाँ पर सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी। और फिर उसके आगे मकतब में जाते थे, फिर बड़ी दरसगाह होती थी वहाँ जाते थे। लेकिन मकतब में और मदरसे में जो है वो मारना धाड़ना बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता था पहले। ये तो अब कर रहे हैं ये लोग, और जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है आजकल क्या हो रहा है। प्यारे बच्चों, तुम लोगों का जो है आगे ज़िंदगी कैसी होगी उसको ये लोग अपने हाथों से तबाह करने की पूरी कोशिश इस वक्त कर रहे हैं। और मुसलमान होना एक मुसीबत बना दिया, ऐसा थोड़ी था। हम तो दुनिया में एक अच्छा अच्छी बातें और इल्म फैलाने के लिए हमारी मस्जिद थी, वो सराय का काम भी करती थी। जब रात को मुसाफिर थके हारे किसी शहर में पहुंचते थे और उनके पास कोई ठिकाना नहीं होता था, वो मस्जिद में जाके आराम करते थे, रात गुजारते थे। वो वक्त भी था। अब मस्जिदें जो हैं इशा की नमाज के बाद लॉक कर दी जाती हैं, ताले लगा दिए जाते हैं। तो ये सब जो वहशतनाक हालात पैदा हो रहे हैं उसमें फहमीदा रियाज ने सोचा कि क्यों ना मैं इन्हीं चीज़ों को उठा के और इसमें एक मुलायमत पैदा करूँ, एक नरमी पैदा करूँ, और बच्चों को समझ में आए कि जो हमारे बड़े बड़े लोग गुजरे हैं ये हमारा विरसा है। ये किताबें जिन किताबों से ली गई हैं, मंतकतु ताइर से ली गई है आपकी ये, जी हाँ, ये एक सीमुर्ग की कहानी, सीमुर्ग की कहानी जो है मंतकतु ताइर से ली गई है, यानी कि परिंदों की मजलिस, कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स, उससे ये किताब ली गई है। ये जो शेख सादी हैं तो और दूसरे जो ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार, ये है हमारा विरसा असली जो हमसे छीन लिया गया। और ये हमसे छीनने वाले गैर नहीं थे बल्कि कौन थे, हमारे अपने ये लोग जो के कठमुल्ला किस्म के और इनकी समझ में कुछ नहीं आता। इतना बड़ा मज़हब, इतनी प्यारी इसकी बातें, रहमतुल आलमीन हमारे रसूल अल्लाह को कहा गया। आलमीन का मतलब है पूरी दुनिया, पूरी दुनिया में तो सब हैं, यूनिवर्स है, पूरी यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स है, पूरी दुनिया में हिंदू सिख ईसाई मुसलमान सब, और आलम का में तो जानवर और ये सब भी, सबके लिए रहमत कहा गया। ये लोग थे जो कि सबके लिए रहमत कहते थे। अब इन्होंने, इनकी नई समझ में आया और इन्होंने बस जंग व जदल को ही अपनाया। और इन्होंने क्या किया, क्या हुआ है यहाँ, कभी किसी चर्च पर हमला करके बेचारे गरीब ईसाइयों को उड़ा दिया, साथ साथ अब ये भी शुरू कर दिया है कि आधे लोग इस मुसलमान ही नहीं हैं, जो शिया लोग हैं सदियों से हमारे साथ रहते आ रहे हैं, सदियों से कभी कोई ऐसा झगड़ा नहीं होता था। तो लेकिन क्या कर रहे हैं ये कि भाई उन सब को जो उनकी इमाम बारगाहों पर धमाके कर कर के, और मासूम बेगुनाह बच्चे बूढ़े औरतें सबको कत्ल कर दिया और मार डालते हैं। तो ये लोग इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक पैगाम देते हैं आपको। अच्छा, ये लोग आपको एक बिल्कुल दूसरी बात बताते हैं। थोड़ी सी आपकी किताब के बारे में बात करें। मेरी किताब में यही कुछ है, मेरी किताब में जो है ना, जो ये हमारे बहुत बड़े बड़े शायर थे, सूफी हजरात थे, इनका क्या पैगाम है ये देखिए। शेख सादी एक बहुत पुराने ज़माने में कई सौ साल पहले थे। इस किताब में अगर तुम पढ़ो, अंग्रेज़ी में है ये तर्जुमा, इसका सिलेक्शन का तर्जुमा है। मैं असल में यही पूछना चाह रही हूँ कि मुश्किल को आसान करना कितना मुश्किल था ये बताइए। अब इन बच्चों को तो मैं यही बता सकती हूँ जी। तो ये इन्होंने अपने बादशाह को कैसी कैसी नसीहतें की, इन्होंने उनको रिश्वत के ख़िलाफ़, इन्होंने किस तरह की बातें कहीं, अपने बादशाह से क्या कहा और कितनी हिम्मत से बात करते थे। उन्होंने कहा कि तुम बादशाह नहीं कहलाओगे अगर तुम रात को आराम की नींद सोए और तुम्हारी सल्तनत में रहने वाले लोग जो हैं बे आराम हैं।
تم بادشاہ نہیں ہو پھر. تو یہ سادی کی جو بہت سی باتیں ہیں ان میں یہ بات بھی ہے, میں نے بہت سی پڑھی تھی اور انہوں نے ہر چیز کو اتنا سہل اور پورا سمجھو کہ ہمارا ایک زندگی کا طرز زندگی بنا کے دے دیا ہے فہمیدہ ریاض نے ان سارے اشعار کو, اور آسان انگریزی میں ان کو ٹرانسلیٹ بھی کیا ہے. جی بتائیے. ساتھ ہی دیکھو بچوں, بچے تو یہاں پہ کمی ہیں بلکہ اٹھ کے جا رہے ہیں. مائیں جا رہی ہیں. تو آپ جو چند لوگ ہیں, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے خیال میں سوال اگر کوئی پوچھنا چاہے تو وہ پوچھے, کیا تم لوگوں کو شیخ سعدی یا سیمرغ, سیمرغ سیمرغ کا نام کبھی کسی نے سنا ہے؟ نہیں سنا. اچھا مجھے یہ بتایا فہمیدہ ریاض نے کہ سیمرغ کے نام کی ایک ہمارے یہاں ایک آرگنائزیشن بھی ہے, یعنی سیمرغ جو ہے اٹ ہیڈ آل دا پاور, آل دا پاور یعنی کہ وہ سب کچھ دیکھ سکتا تھا, سن سکتا تھا, کر سکتا تھا. ایرانی افسانوں میں سیمرغ جو ہے ایک افسانوی پرندہ ہے جو کہ دنیا کے سب کام کر سکتا تھا. سیمرغ یہاں پہ ایک انسٹیٹیوشن بھی ہے جو کہ عورتوں کا ادارہ ہے. آپ عورتوں کی طاقت کا اندازہ لگائیے جو کہ کام کر رہی ہیں, اور ان کو ہم یہ اس طرح سے سیمرغ کا نام اس طرح دے رہے ہیں کہ وہ ساری حکایتیں, آرام کہنا چاہیے, سمجھ کی باتیں اس عورت کے اندر موجود ہیں. ہم اس کو سیمرغ کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے فہمیدہ ریاض؟ میرے دماغ میں اس وقت یہ سیمرغ خیال آ رہا ہے جی کہ اگر میں پہلے سے بھاگ دوڑ کرتی اور اس لانچنگ کو کہیں اندر کراتی تو شاید اس میں لوگ سننے کے لیے بھی آ جاتے, لیکن اپنے لیے بھاگ دوڑ کرنا نہیں ہوتا نا انسان سے, وہ سوچتا کیا. نہیں اصل میں پیارے بچوں یہ تم یاد رکھو کہ اگر تم اپنے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرو گے تو یہ حشر ہوگا. آپ کچھ پڑھیں گی اپنے کتاب میں سے تھوڑا بچوں کے لیے؟ کیوں نہیں آئی ہے نا, بچے تو اتنے بیٹھے ہیں. یہ اس میں زیادہ تر تو انگریزی میں ہیں, اور یہ آپ لوگ جو بیٹھے ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. نہیں والدین بھی ہیں, آپ ان کو سنا سکتے. والدین کتنے ہیں ذرا گنتی تو کریں. دا رائل کراؤن از حرام ٹو اے ہیڈ ڈیوائڈ آف ریسٹرین اینڈ انٹیلیجنٹ مین ایکسرسائز ریسٹرین ہی ڈز ناٹ لیٹ اینگر اوور ہیم ہز بٹر ججمنٹ. ریج از یور ورسٹ اینیمی, ریج از یور ورسٹ اینیمی. وین اٹ انویڈز اٹ ریویجز یور جسٹس, رائٹ فل کنڈکٹ اینڈ یور فیتھ ان یور ریلیجن. ہم تو غصے پہ ہی گزارا کر رہے ہیں نا, یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں جب آپ غصے کے ساتھ کوئی بھی فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ نہیں ہوگا. ہماری تو قوم غصے کے ساتھ چل رہی ہے. یہ آسان سہل انگریزی میں بچوں کو سمجھایا ہے. میں یہ کہتی ہوں یہ کتاب ہر گھر میں, ہر ماں باپ کے پاس بچوں کو سنانے کے لیے یا سمجھانے کے لیے ہونا چاہیے. جی آپ کچھ کہیے. دیکھو یہ اسی طرح کی اس میں ایک چیز اور پڑھیے آپ, سیمرغ ان دا برڈ ہے, اس کے اندر تمام برڈس کے بارے میں بتایا گیا, برڈ سے باتیں کی گئی ہیں اور برڈس کس طرح کے ہوتے ہیں یہ بتایا گیا ہے. دس چلڈرن آر ٹو اسمال ٹو انڈرسٹینڈ دس. تو اب پیرنٹس سے یہ کہنا ہے کہ دیکھیے یہ تو بڑی پیاری کتاب ہے, اگر آپ, مگر یہ بچے بہت چھوٹے ہیں اس کے لیے, ان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے اور غالباً یہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے اتنا. اور مگر جو ذرا بڑے بچے ہوں نا یہ ان کے لیے زیادہ مناسب ہے. تو کیونکہ کچھ تو میرے خیال میں ٹین ایجرز وغیرہ اس کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ کتابیں تو بڑی اچھی ہیں. لیکن ایک چیز جو اس میں سے آپ پیغام دے سکتے ہیں, جو اس کا بنیادی پیغام ہے, وہ یہ کہ تمام, تم پوچھنا چاہتے ہو کچھ بات؟ آپ بک کے بارے میں بتا سکتی ہیں آپ نے ٹرانسلیٹ کیسے کی تھی بک کو؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ بک کے بارے میں بتائیے ٹرانسلیٹ کیسے کیا. ٹرانسلیٹ اس طرح سے کیا کہ دیکھو یہ تھی تو فارسی میں, مگر میں فارسی جانتی ہوں, تو وہ دیکھا اور پہلے پورا شعر پڑھا اور پھر اس کا مطلب سمجھا, اور پھر اس مطلب کو جو ہے وہ اچھی سی
सूरत से अंग्रेजी बनाकर और वो लिख दिया। तो ये हुआ। अब ट्रांसलेट करने में आपको डिक्शनरीज का काम पड़ता है, अब डिक्शनरीज हमेशा देखती हैं। अब ये जो है फारसी, उसके बहुत से अल्फाज तो उर्दू में भी मौजूद हैं ना, उर्दू में फारसी के बहुत से अल्फाज हैं, तो आप देखें वो आपको मिल जाती हैं। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि फहमीदा रियाज ने फारसी जो है मेरे ख्याल से एक डिफरेंट एक डेफिनेट लेवल तक ही पढ़ी थी शायद, लेकिन आपकी वालदा फारसी जानती थी तो आपके अंदर शौक़ डेवलप हुआ उससे फारसी पढ़ने का। बच्चों मैं ये कह रही हूँ कि अगर घर का माहौल पढ़े लिखा हो, अब माँ बाप अगर पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें और बच्चों की तरफ तवज्जो दें तो कोई शक नहीं इसमें कि बच्चे ना सीखें। जब तक हम खुद नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को, बच्चे नहीं पढ़ेंगे। हम किताबें तो दिखा देते हैं और ला के रख भी देते हैं, हम जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे उसको, जब तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे। ये मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें खुद पहले पढ़ना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ जो माँ बाप यहाँ मौजूद हैं उनके लिए ये किताबें बहुत अहम हैं, इसलिए कि जब ये इसको ले कर जाएँगे घर पर और बच्चों के साथ पढ़ेंगे तो हम श्योर बच्चे भी पढ़ेंगे फिर। ये बात। अब आप लोग में से जो टीचर्स हैं या पेरेंट्स, तो वो प्लीज़ वही कुछ कोई सवाल तो पूछें, क्योंकि देखिए मैं क्या कहूँ, मेरे सामने जो लोग बैठे हैं तो मुझे कोई इंस्पिरेशन नहीं हो रही है कुछ भी कहने की। बोलिए। जो इश्को आशिकी की भी बातें होती हैं तो जैसे हमारे पुरानी शायरी उसमें कहते हैं कि जो आशिक है वो इंसान है और जो माशूक है और जो जिसे वो प्यार करता है वो खुदा है, ठीक है ना। ये आपने उर्दू फारसी शायरी की ये रिवायत चली आ रही है। तो अब इसी तरीके से सीमुर्ग भी एक सिंबल है, बहुत ही हज़ारों बरस पुराना फारसी शायरी में, और ये सिंबल है खुदा का, यानी वो खुदा है जिसको के सीमुर्ग कहा गया है। और ये बहुत ही पुराना, मेरे ख्याल से इस तरह भी हम कह सकते हैं हमारे अपने अंदर एक खुदा मौजूद है, वो सारी ताकत जो हमें अल्लाह ने दी है हमारे अंदर मौजूद है, कितना हम उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं हमारे अपने बस में है वो, या हमारे अपने हाथ में है। अगर हम अपने अंदर देखें सबके पास एक एक सीमुर्ग मौजूद है। ये सीमुर्ग का मतलब है, ये फारसी में सी का मतलब है 30 और मुर्ग का मतलब है परिंदा, तो सीमुर्ग एक नाम भी है, प्रॉपर नाउन, जैसे किसी का नाम अनवर, अकबर, असगर, इस तरह का नाम भी है, लेकिन इसका मतलब है 30 परिंदे। अब ये कहानी है कि 30 परिंदे मिलने जाते हैं अपने बादशाह से, जो परिंदों का बादशाह है, उसका नाम सीमुर्ग है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें क्या नज़र आता है कि वहाँ तो वही 30 परिंदे बैठे हुए हैं, यानी कि जिसको आप अपना मालिक, अपना आका कह रहे हैं, दरअसल वो आप खुद ही हैं और आपके अंदर हैं वो। लिहाजा खुदा को, ये तमाम सूफियों ने कहा, कहीं बाहर मत ढूंढिए, वो मस्जिद में नहीं है, मंदिर में नहीं है, काबे में भी नहीं है, काशी में भी नहीं है, चर्च में भी नहीं है, आपके अपने अंदर कोई चीज़, कोई अच्छाई, कोई भलाई अगर है वही खुदा है। अब ये कैसे उन्होंने लिया जो मुसलमान कम्यूनिटी के सूफ़ी थे, क्योंकि कुरान शरीफ में भी है और इस्लाम में कहते हैं कि खुदा आपकी रगे गुलू से नज़दीक तर है, वो कैसे हो सकता है नज़दीक तर, तभी तो हो सकता है जब वो आपके अपने अंदर हो। तो इस तरह से उन्होंने कहा था, और उन पर उस ज़माने में काफ़ी जुल्म किए गए, काफ़ी सूफियों को कत्ल करवा दिया, उस वक्त के कठमुल्ले हर व दौर में थे। फिर बीच में एक ज़माना आया जब ये बहुत मकबूल हो गए, खुसूसन हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों में रूमी हुए, दूसरे हुए सूफ़ी, उन्हें बहुत प्यार करते रहे हैं। लेकिन अब वो फिर ज़माना आ गया है, ये जो हैं तालिबान, इन्होंने दोबारा से ये शुरू कर रखा है कि कत्ल करते रहते हैं, और ये तो बदतरीन चीज़ है ना किसी भी कौम के लिए, किसी भी फ़िरक़े के लिए। जैसे तुम छोटे छोटे बच्चे बैठे हो, इसी तरह के छोटे छोटे बच्चे थे उन स्कूलों में जिनको इन्होंने उड़ा दिया, हाँ बिल्कुल बम धमाके से, और वो सब के सब। लेकिन सीमुर्ग, द सीमुर्ग एंड द बर्ड्स की जो मुझे किताब में बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी, ये सब ह्यूमन नेचर है, जितने परिंदे हैं वो असल में ह्यूमन हैं और उनकी वही तबीयतें हैं, वही कमज़ोरियाँ जो हमारे अपने अंदर मौजूद हैं। इसमें
جو ان کے جو لیڈر ہیں یعنی ہدہد وہ ان سب کو پرندوں کو لے کے جاتے ہیں سیمرغ کی تلاش میں اور ہر پرندہ جو ہے جانے نہ جانے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ کرتا ہے جو ہم لوگ روزانہ اپنے آپ سے بہانے کرتے ہیں صبح اٹھنے سے پہلے 10 دفعہ گھڑی دیکھتے ہیں نہیں ابھی تو بہت ٹائم ہے فجر میں بہت ٹائم ہے آرام سے اٹھیں گے آج نہیں جاتے کوئی بہانہ کر دیں گے نہ جانے کا ان سب پرندوں نے وہی بہانے کیے ہیں اس کتاب میں آخر کار جو 30 پرندے الٹیمیٹلی سیمرغ کی تلاش میں پہنچے تو وہاں جا کے دیکھا سیمرغ تو کہیں بھی نہیں تھا سیمرغ ان کے اندر موجود تھے وہ خود ہی سیمرغ تھے تو اٹ از اے ونڈرفل بک جب آپ لوگ پڑھیں گے اس کو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا فلسفیانہ انداز میں فہمیدہ ریاض نے اس کتاب کو لکھا ہے اور ہم تک بہت مشکل بات کو آسان الفاظ میں پہنچا دیا ہے جی فہمیدہ پر کچھ کہیے آپ تو بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ مجھ سے کچھ پوچھیں تو میں کچھ جواب دوں نا اب یہ جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے ان کو میں یہی بتا سکتی ہوں کہ اس میں بڑی اچھی تصویریں ہیں اور اسپیشلی سیمرغ اینڈ دا برڈ اور بہت سارے پرندوں کی آپ دیکھیں یہ سب پرندے کیسے الگ الگ ہیں آسمان پر اڑتے رہتے ہیں ہمارے پاس تو آتے نہیں جو ہم غور سے دیکھ سکیں مگر تصویروں میں نظر آتے ہیں تو اس میں میں بہت سارے جیسے کہ جو ایران کے تھے پرندے ان کو انگریزی ان کے ایکویلنٹس ڈھونڈ ڈھانڈ کر ان کو دیے اور ہمارے ڈیزائن ڈپارٹمنٹ نے اس کی بہت پیاری تصویریں بنائی ہیں تو آپ دیکھیے ایک جگہ پہ ہدہد جو ہے وڈ پیکر پرندوں سے کہتا ہے ڈو ناٹ بی کنٹینٹ وتھ جسٹ اے ڈراپ وین آئی ایم آفرنگ یو دا اوشن تم لوگ ایک ہی قطرے پہ اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے ہو میں تو تمہیں پورا اوشن دے رہا ہوں ہدہد جو ہے وہ ایک خاص اس کا مقام ہے آپ نے سنا ہوگا ایک بادشاہ تھے حضرت سلیمان نہیں بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے تو ان کا ایک حدود کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اچھا حضرت سلیمان کے لیے یہ کہتے ہیں پرندوں سے کہ ان کو تمام پرندوں کی زبان آتی تھی پرندوں کی بولی سمجھتے تھے کتنے مزیدار آدمی ہوں گے سب پرندوں کی بولیاں جاننے والے تو اب بھائی انہوں نے سیکھی تھیں یا شاید ان کو اپنے آپ سے آتی تھیں تو وہ سب پرندوں کی بولیاں جانتے تھے تو حدود ان کا خاص پرندہ تھا جگہ جگہ جاتا اور وہاں سے خبریں لے کر آتا اور ان کو بتاتا تو اس لیے سیمرغ اینڈ دا برڈز میں ہدہد جو ہے وڈ پیکر وہ خاص مین کریکٹر ہے اور وہی تمام پرندوں سے کہہ رہا ہے کہ یہاں جاؤ وہاں جاؤ چلو چل کر ملتے ہیں اس پرندے سے جو سب پرندوں کا بادشاہ ہے اس کا نام سیمرغ ہے بنیادی طور پر یہ مگر دیکھو بچوں جو اس کی بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام مذہب دراصل ایک ہیں اور یہ ظاہر میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چرچ جا رہا ہے اور کوئی مگر یہ ایک ہی ہیں ایک ہی کوئی ایسی قوت ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے دنیا کے الگ الگ یعنی یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے یہ راستے جدا جدا ہوں لیکن راستے بھی جدا جدا خاص نہیں ہیں مگر یہ کہ ایک ہی چیز کی طرف یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور جو بھی عبادت کرتے ہیں ان سے ایک ہی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ تو یہ ہے اس کا اچھا اس میں جو پرندوں نے بہانے کیے ہیں وہ اتنے زیادہ کلوز ٹو دا ہیومن نیچر ہیں آپ دو چار جو بہانے تو سنا دیجیے اس میں سے نہ جانے کا جو بہانے کر رہے ہیں پرندے تو جب وہ پرندوں کو بلا رہے ہیں کہہ رہے ہیں چلو تو وہ طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں ہم نہیں جائیں گے میں پکڑوں گی آپ پڑھیے جی نہیں اٹ ڈزنٹ میٹر اب وہ کوئی کچھ کہتا ہے اب یہ جو ہے پارٹریج وہ کہتا ہے کہ بھائی وہ کہتا ہے کہ لک ایٹ مائی اسکارلٹ لولی بیک مائی فیدرز ا گلو ود دا ٹوائلائٹ آئی ایم کمنگ فرام دا ڈیپ ریسیسز آف دا ماؤنٹنز where I look for glittering precious stones. I have a passion for rubies. وہ کہتا ہے میں تو پتھروں میں یہ جمع کرتا رہتا ہوں جو قیمتی پتھر ہوتے ہیں لال جواہر زمرد نیلم یہ سب کچھ تو اب میں کیسے جاؤں گا سیمرغ کے پاس بطخ جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں تو پانی میں رہتی ہوں اور سیمرغ تو خشکی میں ہے اور پتہ نہیں کہاں رہتا ہے کوئی پہاڑ ہے کوہ قاف اس کے اوپر رہتا ہے
तो पहले इस तरह से था ना, कोकाफ में परियां वरियां रहती हैं, अब तो कोकाफ जो है वो एक्चुअली कॉकसिस अफकाज में है और शायद ये सेंट्रल एशिया में एक पहाड़ है, वहाँ सब लोग आराम से आते जाते हैं, लेकिन पहले बहुत दूर समझा जाता था ना, इसलिए कोकाफ का इस तरह से कहा गया। तो वो इस तरह के बहाना बनाते हैं। और एक एक परिंदा होता है, वो कहता है कि मैं तो जो हूँ, जो ईगल है बाज, वो कहता है मैं तो इतना ऊँचा उड़ता हूँ, मैं क्या जाऊँगा सिमुर्ग से मिलने। तो ये कहते हैं, वो कहता है कि देखो तुम इतना ऊँचा उड़ते हो, लेकिन जहाँ पे तुमको ले जा रहे हैं वो तो बहुत ही उससे बहुत ज़्यादा बुलंद है। अलगरज बहुत से नहीं जाते, सारे दुनिया के सारे परिंदों से बात कर रहे हैं, लेकिन 30 तैयार हो जाते हैं और 30 जो हैं वो चलते हैं, फिर वो वहाँ तक पहुँचते हैं। ये आप मुझे ये बताइए, आपने शेख सादी और अबू हमीद बिन अबू बकर इब्राहिम जो हैं हमारे, यानी कि इनका असल नाम शेख फरीदुद्दीन अत्तार था या इनका तखल्लुस था, ये क्या था? ये अत्तार का मतलब होता है इत्र बेचने वाला भी होता है और केमिस्ट भी होता है, ठीक है ना। तो ये इनका इनकी दुकान थी जिसके अंदर फार्मेसी ये कहा गया है, तो अत्तार फिर एक तरह से इनका नाम पड़ गया, तखल्लुस भी बन गया। तो इनका असली नाम तो एक लंबा सा कुछ और था, अबू हमीद बिन अबू बकर इब्राहिम, जी यही था, मुझे भी नहीं याद था, मैंने इसलिए लिख लिया ये नाम। हाँ हाँ। श्योर उन्हें याद होगा जी। अच्छा, मैंने सुना है कि ये जो हमारी ये वाली किताब जो है द सी मुर्ख एंड द बर्ड्स, इस पर दुनिया भर में बहुत प्लेज होते हैं, स्टेज प्लेज होते हैं इसके ऊपर, ये जो इसके मुख्तलिफ ज़ुबानों में ट्रांसलेशन हो चुके हैं और इन पर प्लेज होते रहते हैं, और यूरोप में और अमेरिका में तो काफ़ी हुए हैं, कितने आप ही ने शायद ये इसका जिक्र किताब में भी किया है इसका। जी हाँ, ये मैंने पढ़ा, मालूमात मुझे ये मिली कि इसके तमाम दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में ट्रांसलेशन हुए हैं और इसके स्टेज प्लेज भी किए जाते हैं, क्योंकि ये बर्ड्स के बारे में है ना, तो बर्ड्स की मास्क पहना कर और ये सब कुछ, ये आप लोग कर सकते हैं अगर आप में कोई टीचर है, आप लोगों में कोई टीचर है? अच्छा, सही है। जुदाड़ो, तो मुझे बहुत शौक़ था कि मैं किसी वक्त फहमीदा रिया, मुझे पढ़ाते वक्त बहुत अच्छा लगता था जब आपने वो रूठे परिंदे कि पोल्यूशन की वजह से वो चले गए थे और वो दोबारा उनको लेकर आना है बच्चों में, एक आपने इतनी खूबसूरती से जो है आपने उसमें एक जज्बा डाला है कि हमें इस पोल्यूशन को ख़त्म करना है और उनको दोबारा लेकर आना है, ज़्यादा दरख्त लगाएँ। मुझे इतना मज़ा आया पढ़ के कि आप यकीन करें, मैंने घर आके भी बच्चों के जो वो तासुरात थे कि हाँ हम काश हम इनको इसी तरह वापस ले आएँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज मेरी खुशनसीबी कि मैं आपसे मुलाकात हो रही है। मेरी बेटी, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग ऑल दिस। लेकिन देखो, हकीकत ये है कि अगर ये बच्चों के साथ प्रोग्राम मैं बहुत खुशी से करूँ, लेकिन वो उन्हीं के ऊपर होना चाहिए था जो कि मैंने बच्चों के लिए ना जो मुख्तलिफ क्लासेस की, क्योंकि जब वो हम लिखते हैं तो हम उनका एज ग्रुप देखकर बनाते हैं, ठीक है ना। ये किसी भी राइटर के साथ बड़ी शदीद ज्यादती है कि उसको वो ऑडियंस दिया जाए जो उसके लिए नहीं है। ये जो है ना, ज़रा टीनेजर्स के लिए है किताब। आई डोंट नो व्हाट टू से टू दिस। नहीं, मैंने शुरू में यही कहा था कि प्रिंटेड होती रहेगी और ये चीज़ इनको हमें सिखानी नहीं पड़ेगी इन बुक्स के, बेसिकली बच्चे बुक्स से या कहानियों से ही ज़्यादा सीखते हैं। आप सही कह रही हैं, हमारा विरसा इतना रिच है, बेसिकली हमारे पास असल में अच्छा वो नहीं है, हम किताबों में ढाल के नहीं देंगे तो हम बच्चों को बाहर की बुक्स पढ़ा रहे होते हैं, बच्चों को बाहर की स्टोरीज सुना रहे होते हैं। आज के बच्चों को पीटर पैन भी पता होगा और सिंड्रेला भी पता होती है, लेकिन जब हमें इस तरह की जब बुक्स मिलेंगी तो यकीनन फिर बच्चों को हम ये भी सुना सकेंगे और हमें बता सकेंगे कि कहाँ से ये नरेट हुई है, किस किस्म की बातें इसमें बताई जा रही हैं, तो वो बच्चों के अंदर इम्प्रिंट खुद ही हो जाती हैं। और साथ साथ वो नाम सादी और अत्तार, ये जो बड़े बड़े तो पढ़े, कभी ये हमारा विरसा थे। शेख सादी तो बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान में स्कूलों और कॉलेजेस में निसाब में शामिल थे, लेकिन अब बिल्कुल आउट कर दिया गया है। तो अब आपकी ये बेहतरीन कोशिश है, उससे हम अपने बच्चों को भी गाइड कर सकेंगे
कि हमने क्या पढ़ा था या हमने क्या सुना था इनके बारे में, तो हम आगे बता सकें. एंड थैंकफुल टू यू कि आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आगे किया. तो अब यही है कि ये जो है सिमुर्ग एंड द बर्ड्स, उसकी तो कहानी यही है कि जब वो जाते हैं चलते चलते तो उनको जाकर क्या मिलता है, मिलते हैं कि वो अपने ही आप हैं, यानी कि इंसान के अपने ही ज़मीर है. इस तरह की एक अंग्रेज़ी की कोई कहानी भी है, मुझे इस वक्त उसके कैरेक्टर्स का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो एक लकड़ी का एक बढ़ई बनाता है ना, हाँ पिनोचियो. तो अब उसके अंदर उसका ज़मीर है जो कि एक झींगर की तरह से बोलता रहता है. तो उन्होंने ये मिसाल पेश की, जबकि ये कहते हैं कि क्योंकि मुसलमानों में तो है कि नूर खुदा क्या है, एक नूर है. तो उन्होंने कहा कि वो फिर आपके अपने अंदर ही एक कोई नूर है, उसको और बाहर न ढूंढिए, ये न सोचिए कि कोई और हमें बताएगा, हमें खुद हमेशा पता होता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है. और आप गलत काम कर रहे हैं तो आपको पता है. नहीं, मेरे ख्याल से गाइडेंस की हद तक ज़रूर हमें बड़ों की ज़रूरत होती है ऑल द टाइम, लेकिन बड़ों की तो बच्चों को ज़रूरत होती है. और वो जो बड़े हैं वो ये भी हैं और मैं भी हूँ, यहाँ बहुत से बड़े बैठे हैं, लेकिन साथ साथ ये सब भी हमारे बड़े हैं. नहीं, बच्चों को तो बिल्कुल ज़रूरत है बड़ों की, लेकिन इंसान को, यानी जो बड़ा इंसान आता रहे कि भाई तुमने ये गलत किया, तुमने ये, क्योंकि उसे खुद पता है कि वो क्या गलत कर रहा है और क्या, लेकिन वो अपने अंदर की जो भलाई की आवाज़ है उसको सुनता नहीं, उसको इग्नोर करता है. और उसके जितने भी दुख हैं ना, वो उसके अपनी हरकतों की वजह से पैदा होते हैं. ये बात आप ये बताइए, आप वालदैन को क्या एडवाइस करेंगी बच्चों के लिए? मैं वालदैन को बिल्कुल ये एडवाइस करूँगी कि वो इस तरह की किताबें अपने बच्चों के लिए ख़रीदें और उनको ये बताएं, उनको पढ़कर उसकी कहानी बताएं. तो अब ये कि वो इस वक्त कितना समझ पाएंगे कितना नहीं, कि ये तो बहुत ही डेप्थ की चीज़ें हैं. सच्ची बात ये है कि आगे चलकर, लेकिन ये कान में उनके नाम तो पढ़ेंगे, कम से कम नाम पहुँचेंगे का नाम तो पता हो, और बुनियादी पैगाम तो उनका है जैसे माँ बाप और उस्ताद खुद ही एग्री अगर करें तो. और वो बुनियादी सचमुच में तमाम मजाहिब की जो है वो बुनियादी तौर पर एक होने का है, वही अल्लाह ताला है जिसको लोग अलग अलग नामों से उसकी परस्तिश करते हैं, कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर, कोई गॉड, लेकिन ये ज़बान का फ़र्क है. रूमी ने इस तरह की एक मिसाल दी कि चार लोग थे और चारों अलग अलग ज़बान बोलते थे, वो सफ़र कर रहे थे. तो उन्होंने कहा कि मैं, एक ने कहा कि भूख लगी तो पैसे जमा किए, और एक ने कहा मैं अंगूर खाना चाहता हूँ, एक ने कहा मैं अनब खाना चाहता हूँ, एक ने कहा कि नहीं नहीं मैं तो ग्रेप्स खाना चाहता हूँ, और वो आपस में लड़ पड़े कि भाई ये क्या बात है. तब एक आदमी वहाँ से गुज़रा और उसने ये कहा कि अरे बेवकूफ़ो, जब उसने सारी बात सुनी, ये सब एक ही चीज़ है, जो अनब है वही ग्रेप है वही अंगूर है, और आप लोग क्यों लड़ रहे हैं, ये आप लोग एक ही चीज़ खाना चाह रहे हैं. ये मिसाल उन्होंने दी. यही बात है कि जिस बात पर आप दूसरों को उनको हकीर समझें, और हकीर समझना तो बहुत दूर की बात है, तो पाकिस्तान में तो ये हो रहा है, आए दिन हो रहा है, ये मतलब मार डालते हैं, कत्ल किया जा रहा है जो ईसाई है, असल में जो उसकी बेस है, हिंदुओं को भगा रहे हैं. ये जो सिंध में थे, सिंध में काफ़ी हिंदू रहते हैं, तो उनकी दुकान पे कब्जा कर लो, उनकी लड़कियों को उठा ले जाओ, ये सब कुछ कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये तो हम तो करेंगे और ये तो हमारा मज़हब है. ये झूठ है, हमारा मज़हब ऐसा कुछ नहीं बताता. हमारे मज़हब में जो कुछ उसकी असल जान थी, जो उसकी रूह थी, वो इन सूफ़ी शायरों ने समझी है और उन्होंने पेश की है. और ये सिर्फ पूरी दुनिया में इनकी इज्जत होती है, पूरी दुनिया में तर्जुमा किया हुआ है. ये मुसलमानों की, जो हमारे सूफ़ी शायर थे, हमारी आन बान शान, हमारे लिए फ़ख्र का जो बायस रहे हैं वो ये लोग रहे हैं, और इनको सब लोग पसंद करते हैं. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फहमीदा रियाज़. जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको बच्चों की किताबों पर कैसा रिस्पांस मिलता है, और आप क्या मुस्तकबिल में भी बच्चों की किताबें लिखने का इरादा रखती हैं?
बच्चों के लिए? प्यारे बच्चों और अच्छी सी बेटी, बात यह है कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए बैठकर काम किया, इसके अलावा मेरी एक एनजीओ भी थी, वो भी किताबें छापने की थी, वादा था उसका नाम। तो अब ये है कि मुझे जो मैंने वादा के लिए किताबें छापी वो भी स्कूलों में हमने बंटवाई थी छोटे छोटे बच्चों के, और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए मैंने जो लिखी चीज़ें जो कि आपके कोर्स की किताबों में हैं, तो उसका तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि अब मुझे मिलते हैं पेरेंट्स, मिलते हैं कहीं कहीं और कहते हैं ओहो आप फहमीदा रियाज हैं, आपकी नज़म तो हमारे बच्चे जो हमें सुनाते हैं उनको पसंद आती हैं। तो ये तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मुझको एक ये बिल्कुल नया और गैर मुतवक्को अनएक्सपेक्टेड बच्चों का एक ऑडियंस मुझको मिला, तो विच इज़ वंडरफुल। मगर मैं हमेशा चाहती थी कि इसका रिस्पांस बहुत अच्छा, और वो मुझे मिलता है जहाँ पर ये किताबें कोर्स में लगी हुई हैं उनके तरफ से, पसंद करते हैं बच्चे पसंद। असल में जो सप्लीमेंट्री रीडर्स हैं उनको इस्तेमाल करवाना जो है वो पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर्स का काम है। कोर्स की किताब तो बच्चे पढ़ पढ़ के बोर हो चुके होते हैं, उनको थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए, माइंड को ज़रा ताज़ा करने के लिए, या उनको डगर से ज़रा सा मुख्तलिफ डगर पर लाने के लिए सप्लीमेंट्री रीडर्स की बहुत ज़रूरत है। जब इस पाई की किताबें हों जिनमें फ़िलासफ़ी भी है और थोड़ा सा आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को ऊँचा करने का भी सब कुछ ताकत इसके अंदर मौजूद है, अगर इनको कोर्स के साथ में पढ़ाया जाएगा तो मेरे ख्याल से जो कोर्स की जो खुश्की है वो तरी में बदल जाएगी। इनके मैं ये हमेशा देखती थी कि मिसाल के तौर पर जो इंग्लिश की करीब कर लीजिए माइक, जो इंग्लिश की अब आ रही है आवाज़ नहीं, इंग्लिश की जो छठी जमात की इंग्लिश की रीडर है, किताब है, उसका स्टैंडर्ड और उसी क्लास का उर्दू का स्टैंडर्ड, उस पर इतना फ़र्क क्यों है, इन्हें इंटेलेक्चुअली इतना फ़र्क क्यों है? ये मुझे बड़ी अजीब बात लगती थी कि उर्दू वाले समझते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो घामड़ हैं, अहमक हैं, और वो तो समझ ही नहीं पाते, उनको ज़रूरत नहीं। दिस इज़ नॉट ट्रू। अगर अंग्रेज़ी का तो मैं ये कहती थी कि इस स्टैंडर्ड की जो बात ये कह रहे हैं उस स्टैंडर्ड की बात आप उर्दू में भी कह सकते हैं। मैंने तो ये भी कोशिश की कि दूसरे जो शायर हैं, नए शायर हैं, फैज़ हैं, दूसरे लोग, उनका कलाम हम अपने कोर्स में डालें, और डाला जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। ऐसी मैंने किताब भी एक बनाई थी, हो सकता है आगे चलकर वो छप भी जाए। तो ये बताइए ये सीमुर्ग एंड द बर्ड्स जो है इसको आप उर्दू में भी करेंगी या नहीं करेंगी? देखिए ये डिपेंड करता है, अगर कोई मुझे पब्लिशर मिला जो इसको छाप दे तो अगर हो सकता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ही छाप दे उर्दू में भी। मेरी बड़ी ख्वाहिश जब आप लोग ये डिमांड भेजिए, क्योंकि देखिए ये एक इशाती इदारा है, जिस चीज़ की मांग होती है वही चीज़ छापता है ये, क्योंकि ये कोई ऐसे ही नहीं है, जो चीज़ बिकती है एक वो। सवाल और आ रहा है कहीं से शायद जी, ये छप। अच्छा इनका दूसरे लोग हैं, एक तो डिक्शनरीज की मदद है, जो पहले लोगों ने ट्रांसलेट किया उनकी भी मदद ली, वो भी देखा कि क्या उन्होंने कैसे किया है, क्योंकि तो बहुत सारे लोगों ने किया है। मगर अच्छा, इसका जवाब मैं भी थोड़ा सा दूंगी, जो किताबें रिसर्च बेस्ड होती हैं वो कभी भी अकेले इंसान नहीं कर सकता, हमेशा इनमें मदद, जितनी ज़्यादा मदद मिलती है उतनी बेहतर किताब बनती है। तो अगर कोई ये कहे हम तो अकेले काम कर लेते, नामुमकिन बात है बेटा। मदद चाहे आपको किताबों से मिले या आपको इंटरनेट से मिले या आपको लोगों से मिले या दोस्तों से मिले, मदद के बगैर ये चीज़ें मुकम्मल नहीं होती हैं। बुनियादी कितना भी ज़हीन हो या पढ़ा लिखा हो फहमीदा रियाज़ की तरह। रियली इंटरनेट एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आजकल के ज़माने की, और फर्स्ट जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती है। हाउएवर ये कभी भी पूरी तौर पर काफ़ी नहीं होता है, उसके बाद फिर आपको जिन किताबों का रेफरेंसेस दिया जाता है वो ज़रूर कंसल्ट करनी होती हैं, सिर्फ इंटरनेट पर कुछ चीज़। तो आपके ख्याल में इंटरनेट, बुक्स और इसके अलावा अगर कोई लोग हैं उनसे भी अगर आप मिल सके तो वो अक्सर नहीं मिलते, और सच्ची बात ये है कि उनकी तरफ दौड़ना भागना इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग। तो किताबें हैं ना हमारा
हमारा मकतब, हमने सब कुछ जो सीखा है वो किताबों से ही सीखा है, क्योंकि वो ज़माने चले गए जब कोई उस्ताद शायरों का भी एक उस्ताद हुआ करता था, अब तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है। और भी चीज़ें हैं, मतलब मैं तो एक आई एम अ वुमन, मेरे लिए ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लंबी लंबी लोगों से बहसें करना या महफिल जवाना, तो मैं एक बोरियत सी हो जाती। किताबें मौजूद हैं, किताबें ही मकतब बन जाती हैं। लेकिन बिल्कुल, अगर कोई वाकई है आलिम फाजिल तो उससे पूछिए कि क्या है। बहुत शुक्रिया फहमीदा रियाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया फहमीदा जी। और ये किसी तरह भी ऑक्सफर्ड उनको कहा जाए और कहाँ कहना है ये भी बताइए ज़रूर। मैं एक टीचर हूँ और अपने तमाम बच्चों की तरफ से ये दरख्वास्त करती हूँ कि आप इसको ज़रूर उर्दू में भी छापें। तो आप लोग ये लिख कर भेजें OUP को, तो फिर मैं ज़रूर, वो मुझसे कहेंगे फिर मैं कर दूँगी। बहुत शुक्रिया फहमीदा आपा, मैडम आमरा, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे भी, और मुझे यकीन है कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हुए होंगे।